जनपद अल्मोड़ा में एनएच 109 में क्वार्क के पास पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित होने पर कांग्रेस ने कड़ा रुख जताया है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसे में विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि क्वार्क पुल में निर्माण के समय केंद्र और राज्य की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके कारण आज क्वार्क में पहाड़ियां दरक रही हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि दीपावली में अगर सड़क बंद होती है तो ऐसे में व्यापारियों को भारी नुकसान होगा और व्यापारियों को नुकसान होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जो क्वार्क में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है और वो पुल के निर्माण होने के पूर्व भी और बाद आज भी लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये बड़े दुखद विषय है कि राष्ट्रीय राज्य निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, इसकी गंभीरता को नहीं समझी और आज बहुत यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पहाड़ की लाइफ लाइन है। वहाँ से बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के लोग जाते हैं और ये दीपावली का पर्व है, जब पूरा उस मार्ग से हमारे यहाँ के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ के यात्री प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्व में भी हानि हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी सरकार ने इसको संज्ञान नहीं लिया, हमारी मांग है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के माननीय सांसद जी, जो यहाँ के गृह क्षेत्र है जिनका, वो केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो तत्काल इसका संज्ञान लेके उन्होंने तत्काल इसमें कोई तात्कालिक कोई समाधान निकाला जाए, जिससे कि यातायात सुचारू और उसके बाद कोई दीर्घकालीन योजना बना के उसका स्थायी समाधान भी करना चाहिए। और अगर नहीं होता है और यात्री परेशान होते हैं, हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम उसमें धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे।